आप सभी लोगों को जूतिया माता व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। जूतिया माता में जो मिठाई बनती है ना, वो यही है, चीनी की मिठाई शक्कर की, जो आसान रेसिपी में आपके साथ शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स। और देखिए, ये मैंने फोड़ा भी और फिर मैंने बना भी दिया, कितनी आसान रेसिपी में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पूरा वीडियो आप देख लेंगे ना, 5-6 मिनट का है, तो आपकी ये रेसिपी एकदम मिठाई ऐसी ही बनेगी चीनी की। तो देखिए, यहाँ पे 1 कप मैंने चीनी ले लिया है, शक्कर ले लिया है, और आधा कप मैं पानी ले रही हूँ। जितना शक्कर लिया उसका आधा पानी ले रही हूँ। गैस की फ्लेम को हम हाई कर देंगे, जब तक पानी नहीं खोलता है तभी तक के लिए। तो देखिए, यहाँ पे धीरे धीरे मैंने गैस की फ्लेम को हाई कर दिया है फ्रेंड्स। और ये मिठाई बनाने के लिए आपको आधा घंटे का समय लगेगा, लेकिन आप जैसे चाहे वैसे बना सकते हैं। और व्रत के लिए ये मिठाई तो घर में ही बनाएंगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आप चाहे तो दूध भी डाल सकते हैं, आप चाहे तो ड्राई फ्रूट या फिर मेरी तरह सिर्फ इलायची और शक्कर का भी ये लड्डू बना सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ किस तरह से ये खोलने लगा और चीनी हमारी मेल्ट होने लगी। मेल्ट होने लगती है चीनी, तभी हम इसमें इलायची या फिर जो भी चीज़ आप डालना चाहें डाल सकते हैं, लेकिन ये प्रसाद है तो मैंने इसमें इलायची का दाना डाला है। इलायची का फ्लेवर अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, इस तरीके से ये हमारी चीनी अच्छे से मेल्ट होने लगी है, आपको दिख रहा होगा। बस इसी तरह से हमको थोड़ा सा चलाना है, जब पूरे चाशनी में इस तरह से झाग झाग आ जाए ना, तब इस तरह से चेक कर लीजिए और एक तार की चाशनी बनाइए, एक तार आना चाहिए। देख लीजिए, यहाँ पे एक तार बनने लगा है, तब मैंने गैस को बंद कर दिया है। गैस पे से नीचे उतार देंगे और ठंडा करेंगे। ठंडा करने के लिए आप फैन भी चालू कर सकते हैं, फैन चालू कर लीजिए और इस तरीके से चलाते हुए ठंडा कीजिए, ताकि आपकी चाशनी जल्दी से ठंडी हो जाए। जैसे जैसे ये ठंडी होगी ना, अपना कलर चेंज करेगी। यहाँ पे देखिए, ये किस तरह से दाना छोड़ रही है, और ये एक तरह की चाशनी है। इसीलिए फ्रेंड्स, आप याद रखिए, इस आप मेरे तरीके से आपके ये चीनी के लड्डू बनाएंगे, मिठाई बनाएंगे ना, तो परफेक्ट बनेगी। बस आप पूरा वीडियो देख लीजिए, बहुत ही आसान रेसिपी में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए, ये इस तरीके से पूरी ठंडी होती जा रही है और पूरा सफ़ेद होते जा रहा है, आपको दिख रहा होगा। बस मैं साइड साइड से निकालते जा रही हूँ, ताकि ऊपर चीनी कम लगे। अब साइड साइड से देखिए, ये थोड़ा और गाढ़ा होने लगा है, इसीलिए थोड़ा टाइम लगता है फ्रेंड्स। देखिए, ये पूरी तरह से अब गाढ़ा होना शुरू हो चुका है, और फैन चालू है इसलिए जल्दी गाढ़ा हो रहा है। तो आप भी चाहें तो इसी तरीके से कीजिए, अगर आपके पास टाइम कम हो। और आज सभी माताओं बहनों को जूतिया व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। तो यहाँ पे देखिए, ये धीरे धीरे और गाढ़ा होना शुरू हो गया है, आपको दिख रहा होगा किस तरह से ये दानेदार पूरा हमारा मिठाई का पाक बन गया है, एकदम परफेक्ट जैसा चाहिए वैसा ही। बस ये थोड़ा सा और ठंडा हो जाए, देखिए अब ये किस तरीके से ठंडा होकर पूरा ये एकदम गाढ़ा हो गया है, आपको दिख रहा होगा। अब ये लड्डू बनने के लिए रेडी हो चुका है। अब आप जैसे भी चाहें छोटे बड़े आकार के लड्डू बना सकते हैं। देखिए, ये इस तरीके से एकदम दानेदार अलग अलग हो जाएगा और लड्डू बनाना एकदम आसान हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे जैसे भी चाहूँ मैं लड्डू बना रही हूँ, तो एकदम आसान रेसिपी में आपके साथ शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पे इस समय हमारा ये जो चीनी का लड्डू का पाक है, एकदम ठंडा हो चुका है, गर्म बिल्कुल नहीं है, देख लीजिए। और एक तार की चाशनी होनी चाहिए, इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा। चाशनी हुई तुरंत गैस बंद कर दीजिए और गैस पे से नीचे उतार कर ठंडा कीजिए। बस इतना ही आपको इसमें ध्यान देना है। अगर आप गैस पे ही सुखा लेंगे तो आपके लड्डू तो बनेंगे, लेकिन बार बार फिर आपको पानी डाल डाल के फिर से गीला करना पड़ेगा और लड्डू बनाना पड़ेगा। और इस तरीके से थोड़ा सा गीले में ही आप लड्डू बना लेंगे तो आपकी पूरी लड्डू बहुत ही आसानी से बन जाएंगे, जो मैं आपको दिखा रही हूँ रेसिपी। तो देखिए, यहाँ पे फटाफट से मेरे लड्डू तैयार हो रहे हैं, आपको मैं दिखा रही हूँ फ्रेंड्स। सच बताइए, आपको कैसी लग रही है वीडियो, एकदम आसान रेसिपी। आज हमारे घर में भी मेरा भी जूतिया माता का व्रत है, तो मैं ये लड्डू चढ़ाने के लिए बना रही हूँ प्रसाद। तो देखिए, एकदम आसान रेसिपी में आपके साथ शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स। बस इसी तरीके से ये पूरे लड्डू बना लेने हैं, और जैसे जैसे आपके लड्डू बनकर तैयार होंगे, ऐसे ऐसे पूरे अच्छे से सूख भी जाएंगे।
जैसे जैसे पूरी तरीके से ठंडे होंगे ना, ठंडा तो था लेकिन और भी ठंडा हो जाएगा, जब नॉर्मल टेम्परेचर पे आया तभी मैंने लड्डू बनाना स्टार्ट कर दिया था, शुरू कर दिया था। तो देखिए ये किस तरह से पूरा सूख सूख के इसमें आपको दिख रहा होगा, अब कड़क होना शुरू हो गया, लेकिन ये अभी भी लड्डू आसानी से बन जाएंगे। आपको दिख रहा होगा कितनी आसानी से मैं लड्डू बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आप कहाँ पे ये व्रत कर रहे हैं, गांव में या शहर में? मैं तो यहाँ महाराष्ट्र थाना में ये व्रत करती हूँ, भिमंडी में। आप कहाँ पे ये व्रत कर रहे हैं मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और कैसी लगी रेसिपी लाइक शेयर कीजिएगा मेरे वीडियो को। बन गए मेरे सब लड्डू, देखिए कितने फटाफट से, और जैसे जैसे सूख गए पूरे कड़क भी हो गए। अभी मैं आपको एक लड्डू तोड़ के दिखा रही हूँ, ये थोड़ा सा ऊपर से सख्त हो गया है, अंदर से नरम है, देखिए किस तरीके से एकदम नरम नरम है। और ये ऐसे ही रहेंगे फ्रेंड्स, अब इसको दबा दबा कर मैं फिर से एक लड्डू तैयार कर ले रही हूँ। तो कितनी आसानी रेसिपी मैं आपको बता रही हूँ, आसान से सीखनी है। सच में आप ऐसे लड्डू बनाएंगे ना, आपकी बहुत ही तारीफ होगी फ्रेंड्स। मेरे बोलने से इस तरह से बनाइए,